हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, यानी उसके टाइप के बारे में बताएंगे, जिसमें आएगा आपका सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। ये तो सारे, इन सारे के बारे में आज हम बात करेंगे और इनके रिलेशंस के बीच, इनके बीच जो रिलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, यानी कि व्हाट इज टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट में हम ये ध्यान देंगे कि ये होता क्या है, ये है क्या। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताप मापी, ताप मापी, यानी कि ताप मापी क्या है, है ना। ताप मापी क्या होता है, जिससे हम ताप मापते हैं, यानी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर टेम्परेचर उससे मेजर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को माप रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ताप मापी हो गया। थर्मामीटर भी एक तरह से क्या है, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, ताप मापी है। अब इसके हम टाइप के बारे में ध्यान देंगे, तो इसके चार टाइप है। इसके कितने टाइप हैं, तो चार टाइप है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो हमारा है सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस है हमारा, क्या है, सेल्सियस है, सॉरी, क्या हमारा है, सेल्सियस है। दूसरा हमारा फारेनहाइट है, क्या है, फारेनहाइट है, क्या है, फारेनहाइट है। तीसरा जो हमारा है रियूमर है, क्या है, रियूमर है। और चौथा जो है वो केल्विन है, क्या है, केल्विन है, ध्यान दीजिएगा। तो यही चार जो हमारे टाइप हैं इस टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट के, जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। सबसे पहला जो बात है सेल्सियस, तो सबसे पहला जो सेल्सियस है, तो इस सेल्सियस से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं। तो ये जो सेल्सियस है, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है, इस टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, और किसी भी पदार्थ का, यानी किसी भी मैटर का जो जो टेम्परेचर है, वो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि किसी भी शहर का अगर देखा जाए, टेम्परेचर मेजर किया जाता है, तो बोला जाता है यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह की जानकारी जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी है, तो वो हम सेल्सियस में क्या करते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। क्या करते हैं, हम डिग्री सेल्सियस में उसको बताते हैं। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता होगा, इस सेल्सियस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो मिनिमम वैल्यू जो हमारा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री जो सेल्सियस है, इस पर क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, जम जाता है, है ना, जम जाता है, ठीक है। यानी कि पानी जो होता है वो जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है ना, फ्रीज कर जाता है। इसको हम बोलेंगे कि 0 डिग्री पे वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज कर जाता है। अगर इसी चीज़ को देखा जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, बॉयल करना शुरू करता है। क्या करता है, पानी बॉयल करता है, क्या करता है, पानी बॉयल करता है, ठीक है ना, पानी बॉयल करता है, ठीक। अब ध्यान देना है कि ये जो हमारा है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और किसी भी पदार्थ, या वाटर भी एक तरह से क्या है, मटेरियल पदार्थ ही है, ठीक है ना। तो वायुमंडल या हमारा किसी भी मैटर के बारे में जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करके बताता है कि इससे क्या मापा जाता है, किसी भी शहर का मौसम विभाग जो भी होते हैं, तो उस मौसम विभाग का क्या टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, मौसम विभाग द्वारा, या फिर किसी भी
मटेरियल्स का उसके टेम्परेचर को बताया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं हम फारेनहाइट का, ठीक है ना। तो फारेनहाइट में क्या होता है, फारेनहाइट में किस वैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये फारेनहाइट इंस्ट्रूमेंट वैसा टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है जिस टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी एनिमल्स किसी भी ह्यूमन का क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। यानी कि ह्यूमंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या फिर किसी भी एनिमल्स जीव जंतु का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम फारेनहाइट का यूज करते हैं। फारेनहाइट में जो हमारा होता है यानी डिग्री फारेनहाइट जो होता है, तो इसके भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। ऐसा नहीं कि फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होता है दोनों का एक ही वैल्यू होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका जो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। ये जो हमारा होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये इसका मिनिमम है। यानी मिनिमम रहने का कारण ये क्या होता है, वाटर फ्रीज कर जाता है। क्या करता है, इसमें भी पानी जमता है, पानी क्या करता है जमता है ना, फ्रीज कर जाता है पानी, क्या कर जाता है पानी फ्रीज कर जाता है, पानी जमता है। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम पे, तो इसके जो मैक्सिमम है ये 212 डिग्री फारेनहाइट है। ये क्या कर जाता है, पानी क्या करता है बॉयल करता है। क्या करता है, इसमें पानी बॉयल करता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, तो ऐसा थोड़े जैसे कि हम टेम्परेचर का अगर बात करें, सॉरी थर्मामीटर का बात करें, तो थर्मामीटर लोग यूज क्यों करते हैं, जब फीवर वगैरह आ जाता है तो हम लोग फिर थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर की यूज में भी हम फारेनहाइट को ही देखते हैं, यानी डॉक्टर लोग जो बताता है वो फारेनहाइट में ही बताता है हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा अगर देखा जाए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि ह्यूमंस का नॉर्मल जो टेम्परेचर है फारेनहाइट में कितना है, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना है, तो ह्यूमन का जो है 98.4 डिग्री फारेनहाइट है। ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है किसका, तो ह्यूमन का, किसका है ह्यूमन का, है ना। ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। यही फारेनहाइट जब बढ़ जाता है, यानी कि 99, 100 होता है, तो बोलते हैं 100 बुखार है या 100 बुखार, जो भी है, यही 98.4 डिग्री जो नॉर्मल है, तो इसमें आप मतलब ठीक ठाक है, इतना बुखार नहीं बोल सकते, इतना हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। अब ध्यान दें कि इधर भी कुछ होता है, मतलब कि इसके इक्विवेलेंट 37 डिग्री जो सेल्सियस में होता है, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसका, तो ह्यूमन का, किसका होता है, तो ये भी ह्यूमन का ही नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो, ठीक है ना। तो ध्यान से फिर से समझते हैं, एक क्वेश्चन और होता है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर वैल्यू हैं जिस पे फारेनहाइट और सेल्सियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल जो होता है वो माइनस कितना डिग्री होता है, तो -40 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, दोनों के लिए क्या है, सेम है। -40 डिग्री जो है ये ऐसा वैल्यू है जहाँ सेल्सियस और फारेनहाइट जो है दोनों ही वैल्यू सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, -40 डिग्री, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, अब बात करते हैं हम र्यूमर के बारे में। र्यूमर क्या होता है, तो र्यूमर भी ही एक टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है, वैसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर के हिमांक को मेजर करते हैं, यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसी के बारे में र्यूमर बताता है। इसका जो वैल्यू होता है वो भी मिनिमम होता है 0 डिग्री। र्यूमर क्या होता है, इसमें भी जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री र्यूमर होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी 0 डिग्री र्यूमर, ठीक है ना। ये इस पे क्या होता है, वाटर क्या कर जाता है, 0 डिग्री र्यूमर जो है, R फॉर र्यूमर, पानी क्या हो जाता है, पानी कहता है जमता है, क्या होता है जमता है, क्या होता है जमता है ना, पानी जमता है, फ्रीज कर जाता है, वाटर क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है 0 डिग्री पे। अब बात करें हम, तो इसके
80 डिग्री यानी 80 डिग्री र्यूमर पे क्या करता है, पानी क्या करता है, पानी खौलता है यानी उबलता है, इसको बोल सकते हैं उबलना, उबलता है, क्या करता है, उबलता है यानी बॉयल करता है, क्या करता है, पानी 80 डिग्री र्यूमर पे पानी बॉयल करता है। आप ध्यान दीजिए कि सबके मिनिमम वैल्यू ये हैं, सेल्सियस का, फारेनहाइट का, र्यूमर का। अब बात करते हैं केल्विन में भी इसी तरह होता है, तो केल्विन में भी कुछ वैल्यू होते हैं। तो केल्विन का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, के फोर केल्विन, ये केल्विन का वैल्यू है। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी लेबोरेटरी में केल्विन का जो यूज होता है टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, वो वैसा टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट केल्विन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट को हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को देखने के लिए, केल्विन का यूज कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, किसी भी पदार्थ को उसके टेम्परेचर देखने के लिए केल्विन का यूज किया जाता है। ऐसे आप बाहर में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें ध्यान देना है दोनों लगभग क्या होते हैं, समझने के लिए अगर देखा जाए तो सेम समझ में वही आता है कि इसमें भी पदार्थ का क्या करते हैं, तापमान मापते हैं, इसमें भी वही टेम्परेचर मेजर किया जाता है किसी भी मटेरियल का, तो इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। हाँ, इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो 273 डिग्री केल्विन है, जिस पर क्या करता है पानी, क्या करता है पानी, क्या करता है जमता है, क्या करता है पानी जमता है, यानी कि फ्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है पानी, फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। 373 पे क्या करता है ये, 373 डिग्री केल्विन पे क्या करता है पानी, पानी उबलता है, क्या करता है, उबलता है यानी बॉयल करता है, क्या करता है पानी, बॉयल करता है। अब ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग लगभग जान ही चुके हैं कि कौन कहाँ यूज होता है। इसको हम यूज करते हैं वायुमंडल के टेम्परेचर बताने में, इसको हम किसी भी जीव जंतु एनिमल ह्यूमंस का टेम्परेचर बताने में, ये जो हमारा है पानी का फ्रीजर, फ्रीजिंग पॉइंट बताता है, यानी कि वाटर को ही जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो र्यूमर बताता है। केल्विन जो होता है वो भी किसी पदार्थ के बारे में बताता है कि क्या टेम्परेचर है उसका। सबका देखिए मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, यानी 0 डिग्री, 32 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री र्यूमर, 273 डिग्री केल्विन, फिर मैक्सिमम वैल्यू है, सबका मैक्सिमम वैल्यू भी है। अगर इसका देखा जाए तो ये हमारा ह्यूमन टेम्परेचर है, नॉर्मल जो हो गया फारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि डॉक्टर लोग जो बताता है वो किस चीज़ में बताता है, सेल्सियस में बताता है कि फारेनहाइट में बताता है, तो वो फारेनहाइट के मेजरमेंट में बताता है, यानी कि कहता है ना कि 99 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, तो वो हमारा 98.4 डिग्री नॉर्मल रहता है, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमारा बुखार, मतलब हम उसे बुखार बोलते हैं, फीवर के तौर पे जानते हैं। दूसरी बात है कि वो एक ऐसा मेजरमेंट वैल्यू जो होता है जो जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट सेम होते हैं, वो -40 डिग्री है, -40 डिग्री है, जो कि सेल्सियस और फारेनहाइट के केस में इक्वल होते हैं। तो हम लगभग सब जान ही चुके हैं इस चारों के बारे में, इस टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ चुके हैं। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेवल पे कि इसके वो क्या फॉर्मूला क्या होते हैं जिससे हम कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से र्यूमर, र्यूमर से, मतलब एक दूसरे से रिलेशंस क्या हैं, तो वो रिलेशन को ही हम फार्मूला के तौर पर बताएंगे। तो इसके बाद हम इसकी रिलेशन को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यही हमारा चार टाइप का क्या है, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है। समझते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, कैसे कैसे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना है कि ये किस तरह बना हुआ है। सबका सब इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है, पहला सेल्सियस है, दूसरा फारेनहाइट है, तीसरा र्यूमर है, चौथा केल्विन है। इस चारों का लगभग जो मेजरमेंट है सेम ही है, यानी सब मेजरमेंट सेम ही है। सबका मिनिमम वैल्यू नीचे में लिखा हुआ है, यानी सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस हमने बताया था,
फारेनहाइट का 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर का 0 डिग्री र्यूमर, और केल्विन में 273 यानी 273 केल्विन। ठीक है, मैक्सिमम सबका पता है, मैक्सिमम यहाँ यानी 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के केस में, फारेनहाइट के केस में 212 यानी 212 डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर के केस में 80 डिग्री र्यूमर, और केल्विन के केस में 373 केल्विन। ये सारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये एक स्केल है। इस स्केल का टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो C माइनस जीरो यानी C है, यहाँ C होगा, क्या होगा, C होगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि ये बराबर भाग कितना है, तो ये पूरा टोटल 100 पार्ट है। कितने पार्ट है, 100 पार्ट है। जीरो से लेके 100 तक कितने पार्ट है, 100 पार्ट है, यानी 100 माइनस 0 100। उसी तरह इसमें इसका लंबाई जो है, लेंथ जो है, एफ माइनस 32 है, यानी ये 32 से स्टार्ट है, तो इसका अगर लेंथ देखा जाए तो एफ माइनस 32 लेंथ का ये पूरा। बराबर भाग में अगर देखा जाए तो आप घटा कर देख लेंगे कि कितना ये टोटल पार्ट है। अरे टोटल का जो ये पार्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो हमारा जो मिनिमम है 32 डिग्री फारेनहाइट और मैक्सिमम 212 फारेनहाइट है, तो इसको हम घटाएंगे तो 180 डिग्री आएगा फारेनहाइट के किस में, यानी सॉरी 180 आएगा पार्ट है। ठीक है, र्यूमर भी उसी तरह है, मिनिमम अगर 0 है और मैक्सिमम 80 है, तो इसका जो इक्वली पार्ट जो होगा वो 80 पार्ट होगा। केल्विन के केस में अगर मिनिमम 273 है और मैक्सिमम 373 है, तो इसके पार्ट 100 होंगे। उसी तरह सारे लंबाई और पार्ट लिखे हुए हैं, यानी कि इसका ये लेंथ होगा, इसका ये लेंथ होगा, ये पार्ट। लगभग समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। ये मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू दोनों को घटा देंगे तो पार्ट निकल जाएगा, और इस लंबाई को हम सी माइनस जीरो, तो सी एफ माइनस 32, आर माइनस जीरो आर, और के माइनस 273। ठीक है ना, ये इसका लंबाई है लिया गया, ये लंबाई क्या किया गया, लिया गया। अब आप एक बात बताइए कि अगर 100 पार्ट है, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 100 पार्ट है, 100 पार्ट का जो लंबाई है वो C है, तो 100 पार्ट का लंबाई C है, तो एक पार्ट का लंबाई C बाई 100 होगा। अरे सबका यूनिट वैल्यू ही तो सेम कर सकते हैं हम, जैसे कि 100 पार्ट है, जैसे 100 भाग है, तो 100 भाग का जो लेंथ है वो क्या है, C है हमारा, तो एक भाग का जो लेंथ होगा C बाई 100 होगा। उसी तरह यहां भी होगा, अगर बात करें यहां कितना है, 180 जो है, 180 पार्ट है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं अभी, 180 पार्ट है, उसका लेंथ कितना है, F माइनस 32 है, तो एक पार्ट का कितना होगा, F माइनस 32 बाई 180। ध्यान दीजिएगा, समझना, अभी समझा रहे हैं। र्यूमर के केस में भी वही होगा, अगर 80 पार्ट है और उस 80 पार्ट का लेंथ जो है R है, तो एक पार्ट का कितना होगा, R बाई 80। समझना है, क्या करना है, इधर समझना है, क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, समझना है, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नीचे चला गया ज़्यादा। केल्विन के केस में क्या होगा, अगर टोटल 100 पार्ट है और उसका लेंथ के माइनस 273 है, तो एक पार्ट का कितना होगा, के माइनस 273 अब बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सब में वैसे ही लिख दिए हैं हम, यानी कि 100 पार्ट में C है, तो एक पार्ट में C बाई 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा, क्या करना है, इसको समझना है, बहुत ही आसान तरीके से समझना है, बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये पार्ट था, पार्ट तो आसानी से बता सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है लंबाई को। सेल्सियस का लंबाई C होगा, फारेनहाइट का 32 से स्टार्ट है, तो फारेनहाइट F माइनस 32 से शुरू करना है, ये 0 से स्टार्ट है, तो इसका R होगा, R लेंगे, और अगर 273 है तो इसको केल्विन में 273 घटा देंगे, तो यही लंबाई हो जाएगा।
अब बराबर पाठ तो लगभग समझ में ही आ रहा होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने किया, ये सब जो हमने किया, ये आप समझिए, ये सब जो है एक पार्ट का वैल्यू है। तो एक पार्ट का वैल्यू तो मतलब सब बराबर है, है ना, सब बराबर होना चाहिए। तो यही सब बराबर होकर एक रामबाण फॉर्मूला तैयार हो जाता है ना, मतलब जहां जो फॉर्मूला सब जगह सेट कर जाएगा, ठीक है ना। फिर से समझते हैं, इसको समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या बताया कि 100 पार्ट जो है वो सी लेंथ के बराबर है, तो एक पार्ट सी बाई 100। फिर यहां बताया 180 पार्ट जो है एफ माइनस 32 लेंथ के बराबर है, 180 जो पार्ट है वो एफ माइनस 32 के बराबर है, तो एक पार्ट जो होगा एफ माइनस 32 बटा 180। आगे र्यूमर के केस में क्या बताया कि 80 पार्ट जो है वो आर के बराबर है, यानी आर लेंथ के बराबर है, तो एक पार्ट आर बाई 80 हो जाएगा। फिर इसी तरह केल्विन के केस में हमने बताया 100 पार्ट जो है वो के माइनस 273 के बराबर है, तो एक पार्ट के माइनस 273 बटा 100 के बराबर हो गया। ये सब एक एक पार्ट का वैल्यू है, तो सब बराबर हो जाएगा। तो यही सब बराबर हो करके एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है जो कि इस तरह होता है। क्या होता है, सी बाई 100, सी बाई 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल्स टू आर बाई 80 इक्वल्स टू के माइनस 273 बटा हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करते हैं। इसी फॉर्मूला को सब काट छाट के छोटा कर देता है ना, ये बन जाएगा आपका, ये कटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर क्रॉस भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब एक दूसरे के बराबर है, आप कोई भी वैल्यू अब निकाल सकते हैं। अगर सेल्सियस भी दे दिया, मतलब सेल्सियस का वैल्यू में अगर दे दिया, आप चाहें तो पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। फारेनहाइट में निकाल दीजिएगा, रूमर निकाल दीजिएगा, केल्विन निकाल दीजिएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये रामबाण फॉर्मूला है, ये सब जगह फिट करेगा। और ये हम निकालने का तरीका हमने भी बताया आपको, इन सभी से सब एक एक पार्ट सब बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट, और ये आर का पार्ट है, ये केल्विन का पार्ट। हमने क्या फॉर्मूला बताया, सी बाई 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल्स टू आर बाई 80 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई 100। तो यही हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर किसी एक में भी दिया हुआ है वैल्यू, अगर जैसे फारेनहाइट में दिया हुआ है, तो आप सेल्सियस में निकालिएगा, रूमर में निकालिएगा, केल्विन में निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। अब आप चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन देते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन से लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना है सिर्फ। देखिए, मेरा फॉर्मूला जो था, जिसको हम बोल रहे हैं रामबाण फॉर्मूला जो है, रामबाण जो फॉर्मूला है वो हमारा है सी बाई 100 एफ माइनस 32 बाई 180 आर बाई 80 और के माइनस 273 बाई 100। देखिए, यही फॉर्मूला पे ये सेट कर जाएगा, हमारा ये जो वैल्यू है रखा जाएगा, ध्यान देना है। इस फॉर्मूला पे हम रख कर सब वैल्यू को ला सकते हैं। देखिए रख रहे हैं, यानी कि 50, यानी गिवन है ये हमारा, कितना दिया हुआ है, दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ वो वैल्यू पुट करेंगे, यानी 50 बाई 100 एफ बाई 32 बाई 180 आर बाई 80 और ये के माइनस 273 बाई 100। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है,
समझना है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देते हैं, हम बता दें, ध्यान से समझना है कि अगर a बराबर b बराबर c बराबर d है, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि a b के भी बराबर, b c के भी बराबर और c d के भी बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। अगर यही चीज रहता कि एक बराबर बी बराबर सी बराबर डी या पांच या फाइव फाइव रहता, तो इसका क्या मतलब है, बी का भी वैल्यू फाइव है, सी का भी वैल्यू फाइव है और डी का भी वैल्यू फाइव है, ये होता है। इस केस में समझना है कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना, ये समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, तो ये जो हमारा है ये कट कर आ जाएगा कितना, टू, वन बाई टू, वन बाई टू इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एट्टी इक्वल्स टू आर बाई एट्टी इक्वल्स टू के माइनस टू सेवेंटी थ्री बाई हंड्रेड। अभी हमने बताया कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी है, मतलब वो सब एक दूसरे के बराबर है। अब हम बारी बारी से सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले वन बाई टू जो है इसके बराबर करेंगे, उसके बाद हम 1 बाय टू जो करेंगे वो r बाई एट्टी के बराबर करेंगे, उसके बाद 1 बाय टू जो करेंगे k माइनस टू सेवेंटी थ्री बाई वन हंड्रेड के बराबर करेंगे। अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो 90 इक्वल्स टू f माइनस थर्टी टू, तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा 122 इक्वल्स टू f, यानी कि 122 डिग्री फारेनहाइट जो हमारा ये फारेनहाइट का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 122 डिग्री, ठीक है ना, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2r बराबर 80, तो r बराबर 40, यानी ये 40 डिग्री जो हमारा आ गया र्यूमर में आ गया। केल्विन के केस में अगर ध्यान दें तो कट जाएगा ये, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 50 इक्वल्स टू के माइनस 273, के बराबर हो जाएगा जब इधर आएगा तो ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये 3, यानी 323 केल्विन आएगा, क्या आएगा 323 केल्विन आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी कुछ में भी पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी आसानी से याद रखना है। आप उस मेजरमेंट स्टिक को याद रखिएगा तो सब याद रहेगा, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम रटते हैं लगभग, ठीक है ना, ऐसा रचा जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे केल्विन और फारेनहाइट दोनों, सॉरी सेल्सियस और फारेनहाइट सेम होता है। हम लोग रटते हैं 40 डिग्री 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यही हम लोग रटते रहते हैं। देखिए अब ये है क्या और कैसे है, देखते हैं, हम यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन यही है कौन से टेम्परेचर पे, यानी किस टेम्परेचर पे, किस वैल्यू पे सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है, क्या करना है, समझना है, ध्यान से समझना है, इधर कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होता है, यानी हमारा क्वेश्चन के अनुसार यही है कि सी बराबर एफ, हमने फॉर्मूला लिखाया था, बगल में फिर से लिख देते हैं, सी बाई हंड्रेड एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एट्टी आर बाई एट्टी और के माइनस टू सेवेंटी थ्री बाई वन हंड्रेड, यही मेरा फार्मूला था जो कि हम लिखे थे कि इसको याद रखना है, सब याद हो जाएगा, सब बन जाएगा। देखिए तो हमको सी और एफ का सिर्फ ध्यान देना, यानी सेल्सियस और फारेनहाइट का बात करना है, बाकी इधर वाला फार्मूला हम ध्यान रखेंगे, यानी फार्मूला जो हमारा है सी बाई हंड्रेड होगा, फार्मूला सी बाई हंड्रेड, सी और एफ बराबर है ना लिखा हुआ, सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होता है, यही क्वेश्चन है, मतलब बराबर होना है,
तो क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू बताइए कौन से टेम्परेचर पे। तो सी बाई 100 आई इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 180। अब सी बराबर एफ है तो आप सी बराबर एफ लिख दीजिए या एफ बराबर सी लिख दीजिए, तो हम एफ लिख देते हैं सी बराबर। तो एफ बाई 100 और एफ माइनस 32 बाई 180, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, है ना, 20 से कट जाएगा। अब क्रॉस गुना कर देते हैं तो 9f इक्वल्स टू 5f माइनस कितना हो जाएगा 160, है ना। अब देखिए तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4f, ये हो जाएगा माइनस 160। तो f बराबर कितना हो गया माइनस 40, f का वैल्यू जो आ गया माइनस 40 आ गया। अब ध्यान दीजिए एक और बात है कि सर आप c बराबर f लिख दिए, f बराबर c लिखिए, तो फिर हम चाहें तो बना सकते हैं, यानी कि f माइनस 32 बाई 180। अब हम क्या करते हैं f बराबर c लेते हैं तो c का वैल्यू निकालना, यानी कि c माइनस 32 बाई 180, वही वाला बात सेम बात है, ये 5 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 9c 5c और माइनस 160, ये हो जाएगा 4c बराबर 160 माइनस 160, c बराबर माइनस 40। अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या, आपने बहुत रटा होगा कि माइनस 40 डिग्री जो है ये वैसा वैल्यू है जो सेल्सियस और फारेनहाइट में बराबर होता है। अब रटना नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि माइनस 40 डिग्री जो है यानी कि c बराबर f बराबर माइनस 40 डिग्री जो वैल्यू आएगा वो दोनों केस में सेम होगा, क्या होगा दोनों केस में इक्वल होता है, ठीक है। ये लगभग क्वेश्चन हो गया और ये फॉर्मूला है, इस पर सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना, आप समझ ही चुके होंगे लगभग।